अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। आज एबीवीपी अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है और इस उपलक्ष्य में हमारे साथ आज मौजूद हैं अनुज यादव जो यहाँ के प्रांत सह मंत्री हैं। सर, आज किस तरीके से आप स्थापना दिवस मना रहे हैं? सबसे पहले तो आप सभी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। यह एबीवीपी 7वें दशक में चल रही है और भोपाल महानगर में हम लोगों ने 101 कार्यक्रम करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से अधिकतम कार्यक्रम हमारे सुबह योग से प्रारंभ होकर अभी बीयू में वृक्षारोपण, ऐसे कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं, वो शाम को 7 बजे तक चलेंगे। और मतलब क्या क्या कार्यक्रम आज आप लोगों ने किए हैं जहां 101 जगहों पर? जैसे कि पॉलिटेक्निक चौराहा है, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा है, वहाँ पे माल्यार्पण किया। फिर उसके बाद परिहार चौराहा अशोक गार्डन में स्वामी विवेकानंद पार्क है, वहाँ पे हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया है। और बीयू में वृक्षारोपण करने हमारे राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री गए थे, प्रांत के संगठन मंत्री गए थे। बीयू के कैंपस में जो ग्राउंड है वहाँ पे पौधारोपण का अच्छा कार्यक्रम उन्होंने वहाँ पर भी किया। इस तरह भोपाल के सभी चौराहे आप देख रहे होंगे, सभी चौराहों पर आपको विद्यार्थी परिषद का ध्वज दिख रहा होगा, तो ऐसा भोपाल भी हम लोगों ने सजाने का प्रयास किया है ताकि विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस पूरे भोपाल को देखने को भी मिले और कहीं ना कहीं देखने में भी आ रहा होगा, आप आए तो आपको दिखे भी होंगे काफ़ी झंडे। तो इन कार्यक्रमों में आपने किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया? हमारे सभी कार्यकर्ता कोरोना गाइडलाइन को देख कर ही कार्यक्रम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हाथ में ही है, मतलब सभी मास्क के साथ ही पौधारोपण भी करने भी जा रहे हैं, तो ग्रुप में नहीं जा रहे हैं। मतलब छोटे हमने कार्यक्रम इतने सारे इसलिए संख्या बढ़ाई कार्यक्रमों की ताकि कम संख्या में कार्यक्रम अधिकतर जगहों पर हो। एक आरोप आप लोगों पे NSUI की तरफ से ये लगा था, बीच में एक माहौल चला था जिसमें ट्विटर पे NSUI के विद्यार्थी परिषद से ज़्यादा फॉलोअर थे। हमारे अधिकतम कार्यकर्ता ग्राउंड पर सक्रिय रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी लगभग हम अब अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन हम उनके फॉलोअर जैसे फेक फॉलोअर हम बढ़ाने पे विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे उनके फॉलोअर आप देखोगे तो चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके कुछ फॉलोअर के 2 फॉलोअर हैं, किसी के 4 फॉलोअर हैं, मतलब फेक आईडियों से उनके फॉलोअर बढ़ाए गए हैं। और हमारे आप चेक करोगे तो हमारे कार्यकर्ता के फॉलो आपको 100, 200, 500 की संख्या से ऊपर ही मिलेंगे, तो यह क्या फेक वाला काम हमारे यहाँ नहीं है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल में करीबन 101 अलग अलग जगहों पे छोटी छोटी इकाइयों में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम किए हैं। मैं सुयश भट्ट, प्रभासाक्षी, भोपाल।